जहाँ पे हैं इस वक्त, यहाँ से अराउंड 12-13 किलोमीटर दूर मसूरी में ये जगह है जो हमारी पहली हॉन्टेड लोकेशन होगी। एंड इस जगह का नाम है लंबीधर माइल्स। सो बेसिकली ये एक लाइमस्टोन माइंस है जिसे ब्रिटिशर्स ने खोला था। इन्होंने यहाँ से बहुत पैसे कमाए, लेकिन जो लोग इस माइन में काम करते थे उनके साथ सही सलूक नहीं मिला। There were no safety norms, बहुत inhuman conditions थी। एंड सुनने में आता है while working in these tunnels, more than 50,000 mine workers died. And this didn't happen overnight, this happened over the period of time. More than 50,000? More than 50,000, because they could not breathe. Itna suffocation tha. And wahan pe bahut poisonous gases thi, you know, landslides hue. And uski wajah se, I think ye hadse badhte rahe, ye aise hadse hote rahe. And of course, there came a time when the Britishers left. India ko azadi mil gayi. Lekin ye jo mine workers the, inko azadi nahi mili. Aur ye Britishers chale gaye, lekin thekedar chhod gaye. They also kept exploiting them for greed. Is kahani ka sabse bura pehlu ye hai ki they were managers. Inhone kabhi bhi koi bhi death report nahi ki. Eventually, माइन जो है बंद हो गया, लेकिन वो जो वहाँ पर लोग मरे थे इनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। एंड आसपास के लोग, गांव के लोग हमें बताते थे कि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सुसाइड की हुई है, काफ़ी कार एक्सीडेंट्स हुए हैं। रिसर्च के टाइम ये भी पता चला कि एक हेलीकॉप्टर है वो भी क्रैश हुआ था। That's why this place got a name. This place was called the Mine of Death. Mine of death. I was very scared कि उन लोगों पे क्या गुजरी होगी, पर वो सोच करके मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि आज भी वो लोग वहीं दफन हैं, क्या आज भी उनकी आत्माएं वहीं घूमती हैं। मैं हिल गई कि ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है एक जगह पे जहाँ 50,000 लोगों की डेथ हुई हो, वहाँ पे कैसी वाइब होगी? आई डोंट थिंक एनीवन कैन इवन इमेजिन, इट इज समथिंग यू कैन ओनली एक्सपीरियंस। आई फील दैट इस माइन के जो लोग थे उनका जो दर्द था, उनका गुस्सा था, उसकी वजह से ये जगह जो है कर्स हो गई, यू नो। एंड आई थिंक उसी कर्स की वजह से ये सब हादसे होते हैं। अब ये सच है या एक लेजेंड है, Do we believe this? Do we not believe this? Is something why we are here? And हमने बहुत लोकल से भी बातें की, हमने काफ़ी विलेजर्स से बातें की, तो उनकी कहानियाँ भी हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि वहाँ जो मतलब कुछ अजीब सी हरकतें होती है, मतलब जैसे कोई बड़े आदमी या कभी बच्चों की भी आवाज़ सुना देती है। एक बार हम लोग जो गांव के लोग हैं उनसे अपना वो पत्थर वत्थर निकाल रहे थे, तो जब गाड़ी के पास हम आए तो गाड़ी में इतने बड़े बड़े जो पत्थर थे वो उसमें डल चुके थे। मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ये रात के 12 या 1 बजे इसमें ये कौन डाल रहा है, तो मैं गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरा, उसको भी गाड़ी में बिठा के रखा, तो देखा एक जो पुराने ज़माने में जो हाफ पैंट वगैरह पहनते थे, एक बनियान वाइट कलर के, कोई गोरखा को कहता है क्या बीड़ी मिलेगी? तो मैं उसकी ये चीज़ देख के मैं डर गया, मैंने कहा ये वाकई में गोस्ट है। तो उसके बाद फिर माचिस की तिल्ली जला के बाहर फेंकी, तो उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके हम निकल गए थे। वो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का थोड़ा बुरा था। ये दोनों हमारी जो पहली हॉन्टेड लोकेशन है लंबीधर माइंस, ये लोग वहां गए थे लेट्स हियर फ्रॉम देम, इन्होंने वहां क्या महसूस किया, क्या देखा। सो एज इन्वेस्टिगेटर्स एंड रिसर्चर्स एंड साइकिक्स हम दुनिया ट्रैवल करते हैं टू इन्वेस्टिगेट पैरानॉर्मल क्लेम्स ऑफ पैरानॉर्मल स्टोरीज ऑफ पैरानॉर्मल।
बट आई थिंक लंबी देर माइंस एक ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ अजीब ही वाइब्स आती है वहाँ पे. इट्स अ प्लेस जहाँ पे वी हैव सेंस्ड अ लॉट ऑफ एंटिटीज. ऐसा नहीं कि एक दो हैं, कहीं ना कहीं द स्टोरीज ऑफ मोर देन 50,000 डेथ्स ये जगह वो प्रूव करती है. सी एज अ साइकिक मुझे एंटिटीज सेंस होती हैं. आई कैन सेंस देम, आई कैन फील देम. एंड दिस प्लेस इज डार्क. यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रेजेंस मुझे फील हुई वॉज माइनर्स की प्रेजेंस. नाउ दीज पीपल दे डाइड अ पेनफुल डेथ. इट वॉज अ ट्रोमैटिक डेथ एंड दे वर एंग्री. सो उनका जो पेन, ट्रॉमा, एंगर है इज लिटरली सोक्ड इन दिस प्लेस. एंड या माइनर्स के अलावा यहाँ पर फीमेल एंटिटीज भी मुझे सेंस हुई थी. मतलब एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर आई हर्ड समवन विस्पर माई नेम राइट नेक्स्ट टू माई ईयर एंड वो फीमेल की आवाज़ थी. सो लिटरली बहुत एंटिटीज एंड दे आर डार्क, दे आर वेरी डार्क. जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वी फाउंड आउट कि वहाँ पे बच्चों की एंटिटीज भी है. नाउ दीज एंटिटीज वी आर नॉट श्योर वेयर दे केम फ्रॉम. व्हाट हम लोग का अजम्पशन ये है कि शायद जो माइनर्स वहाँ पे जिनकी डेथ हुई थी या फिर जो भी वहाँ पे सफ़र किए थे ये उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स हैं हु वेयर विद देम इन देयर लास्ट डेज एंड दे ऑल्सो काइंड ऑफ पास्ड अवे विद देम एंड नाउ दे आर टू हॉन्टिंग द माइंस. यहाँ पे ना मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी डार्कनेस जो मुझे फील हुई वॉज दिस वेरी स्पेसिफिक एंटिटी जो कि एक मैनेजर की है. ही इज़ नॉट अलोन. उसके साथ देर आर सिक्स मोर एंटिटीज इक्वली डार्क. यू कैन कॉल देम एज बुलीज ऑफ दिस प्लेस बिकॉज इन्होंने लिटरली बाकी एंटिटीज को दबा के रखा हुआ है. ह्यूमन वर्ल्ड और नॉन ह्यूमन वर्ल्ड का जो पर्दा होता है उसके बियॉन्ड वो जाकर जो सारे रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जब हमने उसके बारे में सुना आई थिंक देयर वॉज अ वेरी डिफरेंट इमोशन देयर बिकॉज इट्स समथिंग दैट नन ऑफ अस हैड एवर एक्सपीरियंस्ड एंड इट वॉज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस वर गोइंग टू एक्सपीरियंस. सो आई थिंक चिल्स ऑल अराउंड. बहुत सारे हॉटस्पॉट्स भी हैं वहाँ पे. हॉटस्पॉट्स ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है एक लोकेशन में. एंड लंबी देर माइंस में तीन ऐसे जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमको एक्टिविटीज़ हुई थी. एक जगह तो ऐसा है कि मैं, पूजा और हमारी टीम वहाँ पे खड़ी थी एंड हम सब ने, चार लोगों ने एक आवाज़ सुनी जो कि किसी इंसान के भागने की आवाज़ थी. वो इतना क्लियर था कि आप बता सकते हो कि क्वालिटी क्या है वो शू की. इट वॉज सो डैम क्लियर. एंड बट सिर्फ उतना ही नहीं है, उसके ऊपर वाले फ्लोर पर आप जाओगे वहाँ पर इज़ द ऑफिस ऑफ द मैनेजर जो वहाँ पे बैठते थे, जो सारे उन्होंने टॉर्चर किया है, जो सताया है लोगों को, अभी भी कर रहे हैं मरने के बाद भी, उनका ऑफिस है वहाँ पे. ये सेकेंड हॉटस्पॉट है. लेकिन तीसरा हॉटस्पॉट आई थिंक हमारा फेवरेट हॉटस्पॉट है वो. एंड दैट इज द बेसमेंट. आप यहाँ अगर आओगे इसके पास तो वो बत्तियाँ जलेंगी, वो आपकी प्रेजेंस कन्फर्म करेगी हमारे लिए. बेसमेंट के बारे में मुझे सुन के यही लग रहा था कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जीज यू नो सोक्ड इन होंगी वॉल्स में. नेगेटिव एनर्जीज, वेंचफुल एनर्जीज एंड स्पिरिट्स उधर भटक रही होंगी जो ट्रैप्ड हैं एक तरह से. उनके साथ मरने के बाद भी अनफेयर हुआ जा रहा है. सो आई वाज रियली लाइक स्कैर्ड अबाउट द बेसमेंट. लंबी देर माइंड के जो एंटिटीज़ हैं दे आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट पेन. दे कैन स्टिल सी द फायर, दे कैन स्टिल सी द ब्लास्ट एंड दे आर स्टिल एंग्री एंड दे आर स्टिल इंजर्ड वेरी मच. एंड एन इंजर्ड एंटिटी इज मोर डेंजरस देन अ नॉर्मल एंटिटी. या बट सर डू यू थिंक लाइक ऑफ कोर्स आई गेट इट बट एट द सेम टाइम आप उधर जा चुके तो आपको ऐसा लगता है कि दे आर ट्राइंग टू हार्म समवन इन एनी सेंस? I think we'll see that when all of you will be there. We have our own readings, but there are certain readings that will keep on changing. Bar bar change hota rahega, kyunki the entities will react on an individual. Different people. Yeah. Yes.